अच्छा हिंदी में चलेगा ना? हिंदी चलिए मिक्स अप हो जाएगा, कहीं मैथिली चले, कहीं हिंदी चले, कहीं हिंदी भाषा चले। सबसे पहले हम परिचय से शुरू करते हैं, परिचय से शुरू करते हैं। जैसे अपर बाबू ने कहा, मेरा नाम हुआ केदार शर्मा। मेरा बैकग्राउंड देखिएगा, बहुत सारा बैकग्राउंड है। हम अच्छा लेवल में बिजनेस भी करते हैं, नौकरी से तो हम रिटायर आदमी हैं, और खेती बाड़ी में मेरा उन्नत कृषि का एक झुंडा के लाइक और इधर आपको सोशल मीडिया का 39 साल का है। तो झबरवा बोल दिए, मेरा एक्सपीरियंस भारत का है और कुछ दिन से नेपाल में भी कर रहे हैं। और जब यहाँ ललित चौधरी नाम की एक सचिव थे, उस टाइम में हम दो प्रोग्राम किए उनके आस कर रहे हैं। अभी नहीं है, आपको शायद नहीं है। तो आज का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे बड़ा बात, आज किसान कहाँ फंसा हुआ, लागत तो काफी लग रहा है, उसके बाद इस बात आपका उत्पादन नहीं हो रहा है, और भोग से इतना बड़ा समस्या है, उसको संभालते संभालते किसान तबाह है। तो आज के मीटिंग में आप ये तीन चीज को जरूर समझिएगा कि हम उत्पादन को कैसे बढ़ाएंगे, खर्च को कैसे घटाएंगे, ठीक है सर, और रोग से आप कैसे बचेगा। ये तीन चीज को आप पूर्ण रूप से जानकारी दीजिए, ठीक है। अच्छा, हमारा ये जो सिद्धांत आया कहां से, कुछ कुछ तो हमने अजीत से लिया है, कुछ कुछ हमने मिक्सा आयुर्वेद बोल के एक किताब है उस पर उससे लिया है, ठीक है। तो आयुर्वेद आप सुने होंगे, लेकिन आयुर्वेद क्या है, आदमी के लिए, और वृक्ष आयुर्वेद क्या है, घास के लिए, पेड़ पौधा के लिए। उसको कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, कैसे फैलाया जाए। जैसे जंगल में आपको देखेंगे, जंगल में फल से लदा हुआ घास कभी देखेंगे नहीं, वहां कोई डीएपी डालने नहीं गया, यूरिया डालने नहीं गया, पोटाश डालने नहीं गया, कीटनाशक नहीं छिड़का, फिर भी फल से लद गया। तो नेचर में उत्पादन देने की शक्ति है कि नहीं। तो वृक्ष आयुर्वेद क्या बोलता है, अजीज क्या बोलता है, अजीज आपके नेचर को अगर आप समझ जाइएगा, तो आपके मतलब खेत में लागत कम हो जाएगा, उत्पादन बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो उसी पर आरम्भ कर पाते हैं। तो पहला नंबर क्या है, खेती में होता क्या है। अच्छा, एक और एक बात बताइए, खेती में एक नंबर में बीज आता है, एक नंबर में मट्टी आता है, कुछ तो चला जाता है जमीन के अंदर, जड़ सब जमीन के अंदर जाता है, कुछ सूरज से दूर जाता है, ठीक है। अब कुछ जाता है आपको बढ़ करके सूरज की तरफ, ठीक है। अब सूरज की तरफ जो जाता है वो क्या काम करता है, और सूरज के दूर जो जाता है जमीन के अंदर वो क्या काम करता है, दोनों में से मिल करके कैसे खाना बनता है, कैसे प्रोडक्टिविटी होता है, कैसे उत्पादन होता है, ये किसान को जानकारी है। तो कई मुझे तालीम आपको लिए हुए, अब कैसा तालीम हुआ आप ही जानेंगे, लेकिन आज का तालीम हम आपसे अनुरोध करेंगे, बहुत ध्यान से लीजिए, और यहाँ से निकल कर जाने के बाद कितना बड़ा बेनिफिट लेके जाइएगा वो मतलब कहने लगता है, ठीक है सर। तो सबसे पहले आइए हम मट्टी पर बात करते हैं। किसान को एक नंबर में आना चाहिए माटो, ठीक है, ये माटो। अब माटो में क्या होता है, अच्छाई का पहचान क्या है, बुराई का पहचान क्या है मट्टी के अंदर, और कितना ग्रेड का माटो। वैसे एक दो क्लास हो जाएगा आपको पूरा क्लियर होते चला जाएगा। आज खास करके तीन कैटेगरी का मट्टी के बारे में बात करेंगे, तीन कैटेगरी का मट्टी कैसा कैसा होता है, ठीक है सर। मट्टी में सबसे पहले अभी के समय में हमको समझना क्या है, मट्टी में पीएच को समझना है। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, जमीन के अंदर में सारा पोषण तत्व है। पोषण तत्व तो है, आपने जाकर के अगर टेस्ट करिएगा तो उसमें जिंक भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, पोटाश भी मिलेगा।
मिलेगा, आपको कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, सब मिलेगा, लेकिन घुलनशील अवस्था में कौन कौन घुलनशील है तब न मिलते पौधा के ओमे छे घुलबे नहीं करे छे अघुलनशील छे कोई काम के नहीं छे कोई चीज उसी चीज को समझने का कला क्या है सॉइल टेस्ट उसी चीज को समझने का कला क्या है माटो परीक्षण ठीक है अब माटो परीक्षण कैसे होगा आप यहां से कीजिए यहां आइए अच्छा माटो परीक्षण कैसे होगा देखिए सबसे पहले माटो परीक्षण में इसमें पीएच अलग करने का कितना कितना पीएच में कौन कौन माटो होता है उसको अलग करने का तरीका है नजदीक से खिंचवा ना नजदीक से खींचिएगा तो आवाज ठीक है सब घुमा घुमा के खींचिएगा अच्छा अब देखिए माटो में क्या होता है सबसे पहले पीएच में जीरो से लेके देखिए हम बता देते हैं यहाँ से जीरो से लेके जीरो एक दो तीन चार पाँच छ सात को हम थोड़ा दूर लिखते हैं अब देखिए आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह तक इसका नंबरिंग था अब देखिए यहाँ तीन हिसाब बढ़ जाएगा पहला बढ़ जाएगा आठ से लेके चौदह दूसरा हो जाएगा जीरो से लेके छ और तीसरा हो जाएगा ये सात अब तीन टाइप का मट्टी को माना जाता है पहला ये मट्टी को क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है क्षारीय मट्टी ठीक है कभी सुने क्षारीय मट्टी होता है नहीं सुने अच्छा अम्लीय मट्टी सुने हैं अम्लीय ठीक है ये मट्टी को अम्लीय बोला जाता है ये मट्टी अम्लीय हुआ ये मट्टी क्षारीय हुआ ये मट्टी हो गया न्यूट्रल मट्टी न्यूट्रल देखिए न्यूट्रल एकदम न्यूट्रल मट्टी तटस्थ जो मट्टी का गुण है सब गुण इसमें है लेकिन इसमें नहीं है इसमें नहीं है ठीक है ये मट्टी में क्या होता है बहुत सारा पोषक तत्व रहेगा लेकिन कॉम्पैक्ट रहेगा अघुलनशील अवस्था में रहेगा ठीक है इसमें बीज छिटिए 60% बीज मतलब उग सकता है 40% बीज थोड़ा सा भी कमजोर बीज उगाने का पावर इस मट्टी में नहीं है अब एक तो बात बताइए जो मट्टी में बीज छिटिएगा बढ़िया से नहीं उगेगा उसका घास बढ़िया होगा अच्छा जिसका घास बढ़िया नहीं होगा उसका फली बढ़िया होगा अच्छा जिसमें फली बढ़िया नहीं होगा उस फल में पोषण मिलेगा तो ये मट्टी कोई काम का हुआ अब इसमें दुनिया का मेहनत करना पड़ेगा तब उपजेगा क्लियर हुआ कि नहीं अब इस मट्टी का खराबी देख लीजिए इस मट्टी का जो खराबी है यहाँ अगर आप 100 किलो यूरिया डालते हैं तो यहाँ 30% यूरिया काम में आएगा 70% यूरिया सबका अभी बेकार जा रहा है आप मट्टी तो जानते नहीं है आपका खेत का कौन मट्टी है आपको सिखाया क्या गया है देसी डाल ना देसी यूरिया है कि नहीं और डाल रहे हैं हम लोग देसी हो क्या रहा है आपको पता है हर साल खाद का डोज बढ़ रहा है उस हिसाब से उत्पादन बढ़ता है कारण क्या है यही है देखिए इसका गुण अलग है काम हम अलग कर रहे हैं अच्छा अब ये 100 किलो दिए 30% काम में आया 70% कहाँ गया देखिए यूरिया तो घुलनशील है जैसे घुलनशील होकर के 30% पौधा ने लिया 70% बाष्पीकरण होकर के वायुमंडल में चला गया और जैसे वो वायुमंडल में गया वैसे वो क्या करेगा रोग सबको पैदा करेगा अब समस्या गाछी को हो गया अब बोलिए अपना खेत में समस्या बढ़ाने का काम कौन कर रहा है किसान कर रहा है क्यों कर रहा है किसान को पूरा जानकारी नहीं है इसलिए हम लोगों ने क्या किया ये छोटा सा कोशिश किया छोटा सा एक ठो मेहनत किया कि भैया हम लोग कुछ नहीं दे सकते हैं कहीं से हम लोग को कोई सुविधा नहीं है कोई हम लोग को एक टका नहीं दे रहा है समय पर देगा अलग बात है सबसे बातचीत चल रहा है तो उस दिन का बात अलग है लेकिन किसान को जानकारी तो देना चाहिए एक तो धर्म भी तो बनता है उसी सिलसिला में जबरदस्त जैसा करीब करीब हम लोगों की टीम में अभी 100-125 आदमी है झापा मोरन सुनसरी सिराहा सत्तरी सब जगह हम लोग इसी हिसाब से काम कर रहे हैं ठीक है सर तो लोगों को जानकारी देना अब आगे आइए यूरिया का हालत ये है तो डीएपी का हालत क्या है देखिए सभी तरफ घुमा घुमाए कीजिएगा डीएपी का हालत देखिए अगर 100 kg डीएपी देते हैं तो 23% यहाँ काम में आएगा 77% यहाँ भी बर्बाद है क्लियर हुआ सर अब देखिए ये 77% डीएपी बर्बाद है पैसा तो यह 77% लेकिन ये समस्या पैदा कर रहा है अब क्या समस्या पैदा कर रहा है हम नहीं जानते आप लोग थोड़ा सा बता दीजिए जैसे डीएपी आप छींटते हैं
जमीन में छिड़ते हैं, बोरा को खरीद के लाते हैं, बोरा खोलते हैं, खोलने के बाद बोरा के अंदर भी ढेपा मिलेगा कि नहीं मिलता है? मिलता है, अक्सर बोरा में छोटा बड़ा कुछ भी हो ढेपा मिलता है। अब बोलिए कंपनी पैक किया होगा तो ढेपा पैक किया कि दाना पैक? अब वहां से यहाँ आते आते वो ढेपा बन गया, अब उसको फोड़ना चाहते हैं तो फोड़ता है? देखिए नहीं फोड़ता। अब देखिए उसी हिसाब से हमारा 77% डीएपी हर साल अगर इस तरह से जमीन में फिक्स होता चला जाए तो जमीन में समस्या आएगा कि नहीं आएगा? जमीन हमारा धीरे धीरे बंजर हो रहा है कि नहीं? अब ये समस्या को संभालना है कि नहीं है सर? संभालना है कि नहीं? अब हम दो चीज के बारे में बोले, हम खाली डीएपी और यूरिया मत भी डालते हैं कि और चीज भी डालते हैं? और चीज का भी ये इसमें कोई ना कोई साइड इफेक्ट तो है, तो अगला क्लास में हम लोग ढेर सारा समझेंगे। लेकिन तत्काल हमको क्या समझना है, सबसे पहले हम कोई भी चीज डालते हैं तो हमारा मट्टी ये है कि हमारा मट्टी ये है, हमको पूरा क्लियर होना है, ठीक है? और मट्टी हमको बनाना पड़ेगा ये। अब इसका खेल क्या है, ये मट्टी का खेल क्या है? ये न्यूट्रल है, तटस्थ है, मट्टी का जो गुण है उसमें 100% है। तो ये मट्टी क्या करेगा, आप इसमें पानी दीजिए, पानी आपको 100% काम में आएगा। इसमें हवा जो ऑक्सीजन होता है ये 100% काम में आएगा। इसके बाद यहाँ जितना भी खाद दीजिए, जितना भी पोषण दीजिए, टोटल ये काम में आएगा, ठीक है सर? अब देखिए मेरे पास तीन ठो मट्टी है, एक ठो ये मट्टी है, एक ठो ये मट्टी है, एक ठो ये है, तो हमको कौन सा मट्टी बनाना होगा सर? न्यूट्रल, एक ठो जोरदार था जिसने न्यूट्रल को हमको। अब देखिए ये न्यूट्रल मट्टी बनाने के लिए आपको करना क्या है, पहला नंबर में आप समझिए आपका मट्टी ये है कि आपका मट्टी ये है कि आपका मट्टी ये है, आप तो नहीं जानते। अब पहला नंबर में जानने का कला तो सीखना पड़ेगा, सॉइल टेस्ट करने का ज्ञान आपको मिल जाएगा अभी अभी, तो सॉइल टेस्ट आपको करना पड़ेगा अपने खेत का। हेलो, क्लियर है सर? उसके बाद आपको किस में कितना खाद देना है, किस में कितना पानी देना है, कैसे चलना है, मतलब सारा चीज का जानकारी, क्लियर है? और सॉइल टेस्ट कैसे होता है, सॉइल टेस्ट करने के लिए दो तरीका से काम करना, एक खेती से मट्टी लाना उसका सोल्यूशन बनाना और दूसरा उसके अंदर में चेकअप करके उसका वैल्यू को समझना, ठीक है? कैसे भी कीजिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खेत से मट्टी लाने का तरीका सीखना, ठीक है? खेत से मट्टी लाने का तरीका, अभी आपको ये पानी का सीजन है अच्छा नहीं है, लेकिन मट्टी आप आलिए से ले, कम से कम सीख तो जाएंगे। उसके बाद अगहन पूस माघ फागुन चैत बैसाख तक आप जो है बढ़िया से मट्टी को लाके चेक कर सकते हैं, और चेक करके आप अपना खाद भी बचा सकते हैं, पानी भी बचा सकते हैं, और कम लागत में आप उत्पादन बढ़ा सकते हैं, क्लियर है सर? तो पहला नंबर में मट्टी कैसे चेक करिएगा, देखिए जैसे मान के चलिए ये आपका खेत है, ये खेत आपका कितना है, 10 कट्ठा हो सकता है, 500 कट्ठा हो सकता है, 4-5-10 बीघा भी हो सकता है, ठीक है? अब ये मान के चलिए एक प्लॉट आपका खेत है, इतना दूर खेत गहरा है, इतना दूर खेत ऊंचा है, लास्ट में खेत समतल मिला हुआ, तो आपका तीन ठो खेत हुआ, क्लियर है? इसका अलग से, इसका अलग से, इसका अलग से आपको टेस्ट करना पड़ेगा, क्लियर है? इसमें पानी जमल रहता है, इसमें ऊंचा है, पानी नहीं मिलता है, इसमें आपको मिलता भी है नहीं भी मिलता है, हर ढंग से आपको तीन खेत हुए। मान लीजिए एक आदमी का 4 जगह भी खेत हो सकता है, तो सब खेत का अलग अलग से मट्टी आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? अब लेंगे कैसे, देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ 10 फीट छोड़ दीजिए अपना, मतलब जो भी आपका मान लीजिए वो सीमा है, 10 फीट छोड़ के आप यहाँ से मट्टी लीजिए, देखिए ऐसे करके मट्टी लीजिए और यहाँ से मट्टी लीजिए, ये आपका आकार हो जाएगा जेड वाला, क्लियर है सर? मतलब खेत का टोटल एरिया का मट्टी करीब करीब इसमें आ गया, क्लियर हुआ? अब लेंगे कैसे, देखिए लेना है वी शेप में और लेना है 5 इंची के गहरा का मट्टी, गहरा से मट्टी ऊपर से लेकर नीचे तक 5 इंची गहरा का मट्टी। अब देखिए क्या है, मान के चलिए ये आपका खेत है, ऊपर का 1-2 इंच मट्टी हटा दिए, ऐसे पसनी ढुकाएं, ऐसे पसनी ढुकाएं, दोनों पसनी ऐसे ढुके नीचे में जड़ हो गया ना पसनी, अब वहां से इतना मट्टी मिला कि नहीं मिला, हर जगह से
पांचों जगह से इतना 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 करके मट्टी लिए, एक ठो थैला में डाल दिए। क्लियर हुआ? अब एक ठो थैला में डाल दिए, मट्टी कैसे निकाले? रिसेप पे निकाले। रिसेप क्या हुआ? इधर से ही पसनी दिए, इधर से ही पसनी दिए, रिसेप हो गया, उसको निकाले। क्लियर हुआ सर? अब उसको निकालने के बाद पांचों मट्टी को एक साथ कर दिए। अब एक साथ करने के बाद क्या किए, उसको फोड़ फाड़ के जब कर, उसको छांव में सुखाए, धूप में नहीं सुखाए, छांव में सुखाए, फिर उसको बढ़िया से फोड़ फाड़ किए। अब चलने से उसको बढ़िया से चाल, ठीक है, फोड़ करके चलने से पूरा चाल दीजिए। उसको संभाल करके एक बगली में रखिए और छांव में रखिए। उसके बाद उस मट्टी को यहाँ आपको लाना होगा, फिर हम उसको प्रैक्टिकली हम यहाँ बना के दिखा देंगे भैया सोल्यूशन कैसे बनता है और चेकिंग कैसे होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा भैया हमारा मट्टी क्षारीय है कि मेरा मट्टी अम्लीय है कि मेरा मट्टी न्यूट्रल है, ठीक है। जब आप देखिएगा हमारा खेत का मट्टी ये है तो ये कैसे बनाना है इसका ज्ञान आ जाएगा, फिर हमारा मट्टी अम्लीय है तो ये कैसे बनाना है इसका ज्ञान आ जाएगा। क्लियर है? तो ये टाइम हम लोग रखेंगे अगला सप्ताह सोमवार सवेरे 6 बजे, और यहाँ के जो भी आदमी हैं स्टाफ शायद हैं कि नहीं है उनको भी 6 बजे बुला लीजिएगा। 2 घंटा का हमारा क्लास रहेगा, 3 क्लास रहेगा, ठीक है। आज 1 क्लास हुआ, इसके बाद 2 क्लास होगा, 3 क्लास में आप लोगों को करीब करीब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आत्मनिर्भर का मतलब क्या, मट्टी को तो आप समझ जाइए, मट्टी के बाद भी कुछ है कि नहीं, मट्टी के बाद घास को बढ़ाना, तना को बढ़ाना, फिर फूल को बढ़ाना, फिर फल को बढ़ाना, फिर उसका भंडारण करना, फिर बीज को तैयार करना, कोई चीज आपकी भी घर में। अब आपको यहाँ से कोई भी पैसा दुकान की तरफ लिमिट से जाएगा पैसा, एक तो खाद नहीं मिल रहा है तो खाद के ऊपर तो पूरा ध्यान देना है, बाकी न्यूट्रिशन वगैरह भी बहुत न्यूनीकरण हो जाएगा, कहीं भैया को दिक्कत नहीं हो। नहीं ना, वही पता अच्छा, इसके लिए पहले हम किसान है उसके बाद व्यापार। एक मिनट चलिए अब आइए, जस्ट हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हम लोग मट्टी का बात किए ना, अब देखिए आपका मट्टी ये है कोई बात नहीं, आपका मट्टी ये है कोई बात नहीं, चेकअप हम लोग बाद में करेंगे, सीखेंगे मट्टी टेस्ट करने का, लेकिन आज एक चीज सीख जाएंगे, मेरा मट्टी ये है रहने दीजिए, मेरा मट्टी ये है रहने दीजिए, लेकिन हम ऐसा मट्टी कैसे बना। और जैसे जंगल में फल से लदा हुआ घास मिलता है, मेरा भी बाली बिना रोग से लदा हुआ बाली हमको कैसे मिले इसका हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला नंबर में माटो को पूर्ण उपचार, माटो को पूर्ण उपचार विधि आज सीखेंगे। एक नंबर में मेरा माटो सोना उगलने वाला कैसे बने, पहला नंबर में हम लोग अभी सीखेंगे। अच्छा, दूसरा नंबर में अभी आप लोगों को रोग से समस्या है ना, रोग से दुनिया भर का समस्या है, ये रोग से निपटाने का तरीका क्या है। तत्काल आपको धान में रोग लगल है ना, किसी किसी का धान सूखता होगा, किसी किसी का गलने लगा होगा, किसी किसी का आपको दाग धब्बा भी शुरू हो गया होगा जिसका पुराना धान है, समस्या छे कि नहीं छे धान में, पूरा समस्या अभी समस्या है, है। वो समस्या कहाँ से आया जानते हैं? देखिए ये माइक वाला बड़ी गलती करे से, अच्छा ठीक छ। अब मेरा का नाम क्या है कि सबसे पहले हम बात करेंगे रोग के बारे में। आइए यहाँ खड़ा रह जाइए, आप इधर खड़ा रह जाइए, रह जाइए। अब देखिए रोग के बारे में बात करेंगे, पहला नंबर में देखिए रोग के बारे में थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। अब जैसे रोग लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, किस हिसाब से हो रहा है, सबसे पहले हमको बताइए ये कीड़ा आपके खेत में है? यही कीड़ा, ये कीड़ा है, कीड़ा मिले क्लियर से,
अच्छा धान काट लो धान काट ले इसमें जब भारत में आपको समस्या हुआ था तो आसाम का एक वैज्ञानिक हमको बुलाया वहां गए दो दिन तक देखे देखने के बाद समझे लास्ट में हार करके हमारा एक मित्र है इजराइल में उनको हम लोगों ने इसका क्लिप किया तो दो दिन बाद में उनसे रिजल्ट आया कि ये कीड़ा कितना खतरनाक है तब समझ में आया। उसके बाद हम लोग इसका इलाज करना चालू किए तो इसका इलाज आराम से हुआ। ठीक है अब पहला नंबर में आइए ये कीड़ा आया कहाँ से। देखिए ये पुतली देख रहे हैं यहाँ से आप ये छोटा भी है बड़ा भी है क्लियर है। हाँ अब देखिए आप धान में धान का ही हम बात करते हैं ठीक है जी धान का भी हम बात करते हैं। देखिए जैसे धान आप लगाएं 15-20 दिन में पुतली उठना चालू छोटा सा वो पुतली क्या किया अंडा दिया उसका लार्वा प्यूपा बना वो जाकर के धीरे धीरे बाली को नुकसान करना चालू किया अब वही वैसे होते चला जाएगा समस्या बढ़ते जाएगा। अब देखिए मकई में ये पुतली आता है पत्ता में बैठ जाता है गोभी में ये पुतली आता है रात में पत्ता में बैठ जाता है पत्ता खा जाता है भोरे आप जाके देखते होंगे तो पत्ता में गंदा उंदा मिलता होगा। अब वो गंदा क्या है वो कई सारा अंडा बना दिया गंदा करके तो दिया गंदा अंडा को सुरक्षित कर दिया अब टोटल उसका अंडा जमीन में गिर करके लार्वा पे उपा होकर के हमको समस्या कर क्लियर है। अब देखिए इसको आप गुस्सा से क्या करते हैं गुस्सा से दवाई छिड़ते हैं अब दुकानदार को जाते हैं हे हमारा तो बड़ा नुकसान छे हमारा बड़का समस्या छे एनन करा सबसे कड़ा दवाई दे कही छे कि नहीं करेंट ला गोबरा ला हिटलर ला कि टाइगर ला कि कथी कथी नाम से कहते हैं कि नहीं कहते लेकिन टाइगर फाइगर काम करता है तत्काल कुछ करता है कैसे करता है देखिए दवाई भरते हैं टैंकी में स्प्रे करते हैं गंध आता है वो छुपने के लिए तैयार हो जाता है कैसे छुपता है देखिए इस चमड़ी को सुकड़ा लेता है और मुंडी को अंदर करके चमड़ी को बाहर करके कछुआ बन जाएगा। अब बोलिए जो भी दवाई आप छिटिएगा इसके देह में लगेगा नाक मुंह आंख में लगेगा ये जिंदा है बहुत आप बेसी अगर दवाई डालिएगा तो ये क्या करेगा ये देखिए 5 इंच अंदर में डूब जाएगा। जब ये अपना शरीर को मतलब कछुआ बनाता है कलर चेंज हो जाता है ये सब देखे कि नहीं खेत में कभी ये सब खेत में देख लिया ना यहाँ बनल छे आगे ये जैसे आपको मतलब शरीर को चेंज कर लिया बस ये मुंडी को अंदर कर लिया बाहर चमड़ा कर लिया एक कुछ दिन में फिर कुछ देर में आपका गंध उन खत्म हो जाएगा दो दिन एक दिन में तीन दिन में फिर ये निकल लेगा निकल के फिर चलना चालू करेगा क्लियर है सर। अब इसका समाधान दो ठो है एक तो समाधान है प्राकृतिक समाधान और एक तो समाधान है आपको जैसे अभी हम लोग छिट रहे हैं ना उसी पर समाधान जहर ला करके कीटनाशक ला करके विषादी ला करके आप छिड़ते हैं उसी पर समाधान क्लियर है। उसके लिए करना क्या पड़ेगा आज हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे टंकी को सुधारने का तरीका टंकी आपको सुधारना पड़ेगा टंकी को पावरफुल बनाना पड़ेगा। आज जिस हिसाब से आप टंकी बना रहे हैं उससे कम 50-60 गुना 70 गुना पावरफुल टंकी बन जाए। अब वो टंकी बनाने का तरीका क्या है वही दवाई जो आप खरीद के लाते हैं उसी में देखिए ये सबसे पहले आइए प्रैक्टिकली हम आपको दिखाते हैं। पहला नंबर में ये दो ठो ग्लास है इसको टंकी है समझिए स्प्रे टंकी इसी में हम स्प्रे करते हैं तो इसमें हम डालते हैं पानी जैसे आप लोग भी पानी में बनाते हैं तो सब कोई पानी में बनाता है लीजिए इसमें पानी डाल देते हैं ये आपको दोनों टंकी में हम डाल दिए पानी। चलिए अब ये टंकी में हम डालते हैं दवाई इसमें डालते हैं दवाई इस दवाई को भी हम दिखा देते हैं आपको ये देखिए ये बच्चा को लगाने वाला पाउडर है इस पाउडर को आप दवाई समझ सकते हैं आप खाने वाला दवाई जो आप खाते हैं सीटामोल कीटामोल जितना भी चाहे पेट झरी तरी का दवाई उसमें
चाहे आपको विटामिन होगा न्यूट्रिशन मिलता है हमारे खाने वाला, चाहे पशु खाने वाला, चाहे गाय की पेड़ पौधा को खिलाने वाला, इस सब का बनाने का एक ही फॉर्मूला है। एक जगह क्या एक फॉर्मूला है, इस पाउडर को बचाने के लिए भी यहाँ दवाई डाला जाता है, ठीक है, उस गोली को बचाने के लिए भी दवाई डाला जाता है, उस कीटनाशक को बचाने के लिए भी वहाँ प्रिजर्वेटिव दवाई डाला जाता है। तो प्रिजर्वेटिव क्या करता है, जैसे देखिए हम इस पाउडर को यहाँ दिए, चाहे इसके जगह में आप जो है ना बेबिस्टिन दीजिए, साफ दीजिए, कुछ भी दीजिए, देखिए दिए ना, ऐसे यहाँ भी पाउडर दिए, अब ये पाउडर गल रहा है कि नहीं गल रहा है, अब ये पाउडर नहीं गल रहा है, क्यों नहीं गल रहा है, इसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, क्लियर हुआ सर, दवाई को बचा के रखने का तत्व डाला है, काहे कि इसमें 2-3 साल का एक्सपायरी डेट होता है, 3 साल तक ये दवाई खराब नहीं हो इसलिए इसमें प्रिजर्वेटिव डाला हुआ है, तो ये गलता नहीं, जब तक ये ढंग से नहीं गलेगा ये काम करेगा। अब इसको गलाने वाला काम करिए, टंकी सुधारने का मतलब क्या है, इसको ढंग से गलाने वाला काम करिए, ढंग से गलाने के लिए हम लोगों ने ये चीज को विकास किया है, जैसे कभी आपने सुना होगा एमवे का एप्सन, सुना है, सुना है, और इधर वेस्टीज का एग्री प्लस, सुना है, एग्री एग्री 80-82 कुछ है, एग्री 82 82 है, हम लोगों ने क्या किया एग्री प्लस बना लिया, ठीक है। अब ये एग्री प्लस का काम क्या है, सबसे पहले ये एक चीज को अगर किसान ढंग से समझ लेगा तो समझिए कि ये सारा चीज समझ में आ गया, सारा चीज समझ में आ गया। आइए अब इसको थोड़ा सा, हम यहाँ छेदा था लेकिन हम थोड़ा सा बंद हो गया होगा इसलिए खोल दिया। अब देखिए इसको जरा सा हम हिला देते हैं और एक ठो ग्लास में हम डाल देते हैं, किसी में भी, चाहे उसमें चाहे इसमें, देखिए इसमें हम डाल दिए, अब पाउडर गलना चालू हुआ ना, ठीक है। देखिए आप लिक्विड भी डालिएगा तो वो भी आपको ना ऊपर में तरता रहेगा, काहे कि उसमें प्रिजर्वेटिव डाला होगा, दवाई को बचाना तो होगा, मजबूरी है उसको भी, तो ये प्रिजर्वेटिव क्या करता है, दवाई को गलने नहीं देता है। अब यहाँ पे जब हम इसको मिला दिए तो ये पाउडर पूरा गल गया, पानी का कलर चेंज हुआ ना, अब बेसी काम कौन करेगा सर, डेफिनेटली इसके लिए एक बार ताली हो जाए। देखिए अब ये काम कैसे करेगा सो भी देख लीजिए, हम इसको यहाँ थोड़ा सा डुला देते हैं, लीजिए अब ये कितना घुला, ये सामने में है देखिए कितना घुला, बहुत कम घुला। अब ये आपको कितना काम करेगा, 15% 20% 25% बहुत मेहनती है तो 25-30% 20-25% यही इसका है। अब इसको थोड़ा सा घोल देते हैं, एक ठो कहीं कुछ बचा नहीं, नहीं बचा, क्लियर है। अब काम कैसे करता है, इसके लिए हम लाए हैं कच्चू का पत्ता, देखिए अब डाल देते हैं ये पत्ता, इसमें डाल देते हैं, इसको डाल दिए, अब एक पत्ता को इसमें भी डाल देते हैं, चलिए इसको भी डाल दिए। अब देखिए काम कौन कैसे करेगा इसको हमको समझना है, इसके लिए हम दोनों पत्ता को डाल दिए हैं। अब एक पत्ता को हम निकाल लेते हैं, चलिए इसी को पहले डाले तो पहले इसी को निकाल लेते हैं। अच्छा इसके अंदर में कैसा काम हुआ सो देख लीजिए, और इसके अंदर में कैसा काम हो रहा है सो देख लीजिए, फर्क पड़ा सर, अब देखिए आप 5-10 बार इसमें दवाई छिटिए और इसमें 1-2 बार दवाई छिटिए, फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा, कौन काम करेगा, देखिए ये छोटा सा चीज में किसान अगर दिमाग नहीं लगाएगा तो दवाई छिटते छिटते तबाह हो जाएगा। अब बेसी दवाई छिटने से क्या होगा जानते हैं, घास कईयों भी जहर पीता है नहीं पीता है, वो तो उसमें कीड़ा लगा दे, कीड़ा भगाने के लिए मजबूरी भी देते हैं, लेकिन भैया को हम अगर 10 बार जहर छिट देंगे तो ये इनको बीमार पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा, गाछ को बीमार पकड़ाने का काम कर रही है बेसी से बेसी जहर छिट के, और शरीर को बीमार पकड़ाने का काम कर रही है बेसी से बेसी जहर छिट के, और टोटल
उत्पादन किया हुआ साग सब्जी फल फूल जितना भी अन्न बाली जितना भी है उसको खराब कर रहे हैं जौहर जी। जौहर को बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है सर। अब इससे क्या हो गया, एक बार दो बार छिड़ दिए आपका काम क्लियर है। अब इसमें तीन चीज है, देखिए इसमें कुछ नहीं है, अभी भी पाउडर पड़ा है, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा अब देखिए, सबसे पहले इसमें तीन चीज है, क्या क्या है। पहला नंबर में इसमें एक्टिवेटर है। एक्टिवेटर क्या किया, इसको सक्रिय कर दिया, काम करने का पावर बढ़ा दिया, पानी का भी पावर बढ़ा, दवाई का भी पावर बढ़ा, ठीक है। दूसरा है स्प्रेडर, इसको पत्ता में छिटे लेकिन दवाई को लेके ही जड़ तक चला गया। यहाँ सुई दिए पैर का घाव ठीक हो गया, यहाँ सुई दिए तो कपार का घाव ठीक हो गया, होता है कि नहीं होता है। तो ये क्या कर गया, अब बैगन छेदने वाला जो छेदक होता है, मुंडी जो लुढ़क जाता है, उसके अंदर में दवाई कौन पहुंचाएगा, ऐसे मिला के डालिएगा तो पत्ता में छिटा हुआ दवाई धीरे धीरे उस कीड़ा तक पहुंच जाएगा। क्लियर हुआ सर। जड़ के अंदर में जड़ सड़न का सबसे बड़ा समस्या है। अब जड़ सड़न का समस्या आप लोग काहे क्लियर नहीं कर पाते हैं, दवाई देते हैं अच्छा पावर को, लेकिन दवाई को जड़ तक पहुंचाने का काम कौन करेगा। ये टेक्नोलॉजी एकदम चाहिए, क्लियर है सर। इस टेक्नोलॉजी को समझ करके अगर दवाई छिटिएगा तो आपका टंकी सही हो जाएगा और छीटा हुआ दवाई आपको कारगर हो जाएगा। जहां पांच बार दवाई छिटते हो वहां एक से दो है, क्लियर है सर। वो दो बेर शुरू शुरू में अगर एक दो बार छिट करके क्लियर कर लीजिएगा तो क्या होगा, कंट्रोल में आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब आगे आइए, इसका डोज क्या है, इसका डोज क्या है और इसका दाम क्या है। देखिए पहला नंबर में इसका दाम समझिए, इसका रिटेल प्राइस है 350 और बनेगा 50 टंकी, महंगा पड़ेगी सस्ता, इससे सस्ता कोई दवाई नहीं। रिटेल में आपको 350 पड़ा और इससे 50 टंकी मिनिमम मिल जाएगा, 60 टंकी बना सकते हैं। सर एक टंकी में कितना एमएल लगता है, 5 ml। क्लियर है सर, पर टंकी 5 ml देना है, 15-16 लीटर के टैंक। अब आइए, बढ़िया हुआ माइक भी बंद हो गया, अब आराम से क्लास भी होगा। आइए अब सबसे पहले इसको देखिए, 15 लीटर के टैंकी बराबर इसको 5 ml देना है। क्लियर हुआ सर, क्लियर हुआ सर। ये दवा का नाम क्या है। हाँ बहुत अच्छा है, इसका नाम है एग्री प्लस, एग्री 80 प्लस। क्लियर हुआ सर। अच्छा अब देखिए, पहला नंबर में हम लोगों ने क्या देखा, इसको कैसे यूज करना है ये देखा। अब ये तो डायरेक्ट इसका फायदा हम आपको दिखाएं, इनडायरेक्ट भी इसका फायदा है। इसको छिटने के बाद पौधा प्राकृतिक से बहुत चीज को संकलन कर सकता है, अपने तरफ आकर्षण करके उसको कंट्रोल कर सकता है। देखिए आज तक दुनिया में सबसे बड़ा टॉनिक क्या चीज है, कंपनी तो बहुत टॉनिक बना के दिया, किसी में 12 तत्व है, किसी में 11 तत्व है, किसी में 20 तत्व है, किसी में 17 तत्व है, मतलब 20 तत्व से बेसिक कोई नहीं बनाया, लेकिन 108 तत्वों का फ्री में आपको मिल रहा है। रात में जो शीत गिरता है ना, वो रात में गिरा हुआ शीत जो है वो फ्री में मिलता है, उसमें 108 तत्व है। अभी वो काम क्यों नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए रात में गिरा, पौधा में दम नहीं है, उसको सोख नहीं पाता है, वो सोखेगा राते को, काहे कि वो सोखता राते को है। पौधा जितना भी अपना एक्टिविटीज करता है रात में करता है, दिन में नहीं करता, वो सब रात में होता है। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ हमारे पास चम्मच है और ये पानी है, मान के चलिए ये रात का शीत है, यहाँ पे शीत गिरा, शीत क्या हो गया छछल के चला गया। अब यही हाल है, अब ये धूप लगेगा इसको घींच लेगा, हवा लगेगा इसको फिर उड़ा देगा, पौधा को मिला कितना 2%, 4%, 5%, 3%। अब यहाँ आपको पौधा को पूरा मिल जाएगा, कैसे, यहाँ पकड़ लिया, धर लिया ना, धर लिया। अब देखिए इसको पकड़ करके पौधा अगर हर रात का सीप को सूखना चालू करे तो इससे बड़ा टोनिक कुछ मिलेगा। अब आप कोई भी विटामिन ला करके इसमें छिटिएगा तो इसको डाल करके छिटिए, कोई भी जहर अगर आपको खेत में छिटना है तो इसको छिटिए, पाउडर को लिक्विड बनाते हैं, पानी में मिला के छिटते हैं, इसको मिला, कुछ भी आपको डालना है इसको मिला,
जब इसको मिला करके आप छींटना चालू करिएगा तो आपको रिजल्ट आप मतलब बिलीव नहीं कर सकते, बुझे ना। वो खाली आपको देखने के लिए नहीं, वो उत्पादन आपको अपने आप कहे, रोग से आप कैसे बचिएगा वो अपने आप समझना है। क्लियर हुआ सर? क्लियर हुआ? तो इसका यूज इतने तो नहीं है, इसका यूज जमीन के अंदर में भी है। कैसे करना है ये अगला दर, जैसे ये पीएच हम टेस्ट करेंगे वैसे इसके बारे में थोड़ा सा आगे भी बात। जमीन इफेक्ट का इंडिया में सर ये नेपाले का है, मेरा आपका घर का है, और ये घरेलू चीजें आप बना सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए आप लोग तगड़ा समूह बनाइए और उस टाइप का आदमी, हुनर आदमी आइए, कुछ संगत करिए, सीखिए। 6 महीना इसको लगता है बनाने में। पहले 6 महीना में करीब करीब 6 चीज को हम लोग अलग अलग तैयार करते हैं, उसको अलग अलग ढंग से टेस्ट करते हैं, फिर उसको मिक्सअप करते हैं तो एक चीज बनता है। क्लियर है? क्लियर है सर? तो ये बन गया, आप बना सकते हैं। हम मेरा काम क्या है, सबको सिखाना, हर चीज को सिखाना। क्लियर हुआ सर? आगे आइए सर। अभी इसको तत्काल चाहिए तो अभी मिल सकता है? मिल सकता है, इनके इनके यहाँ मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइए अब आगे हम बात करते हैं आपको माटों को पूर्ण उपचार विधि, ठीक है सर? इसको करके आज का क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। अच्छा, माटों को पूर्ण उपचार विधि क्या है, माटों में क्या क्या होना चाहिए, और माटो कैसे, माटो सजीव होता है और कैसे माटो निर्जीव होता है, ठीक है सर? तो सजीव माटो का पूर्ण उपचार विधि क्या है, देखिए 1, 2, 3, 4 ढंग से करना है, ऐसे देखिए ये 4 ढंग से, वैसे 8 ढंग से है, 4 ढंग से हम बाद में बताएंगे। ये 4 ढंग से माटो को परिपक्व ढंग से उपचार करेंगे। ये मट्टी अगर आपका बन जाएगा तो वो मट्टी आपका सोना उगलना चालू कर देगा, और हम तो आपको गारंटी देते हैं कोई भी आदमी 3 साल हम लोग से जुड़ करके काम करे तो उसको बोइए और काटने के लिए मत रह जाइए, देखने भी मत जाइए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माटों को पूर्ण उपचार विधि सीखना पड़ेगा। सबसे पहले माटों में आपको रोग है, देखिए ये रोग को संभालना होगा। क्लियर है सर? जितना भी आपको ना लार्वा प्यूपा जितना भी गिरता है वो मट्टी से निकलता है, वातावरण से आता है, वो आने के बाद भी वो मट्टी में जाना है। तो टोटल चीज जो है माटों के अंदर में रोग को मेंटेन करना पड़ेगा। ये तक आपको नहीं रहेगा तभी झबर बाबू बोले थोड़ा सा मेहनत करिए, ये सारा चीज हो जाए। क्लियर है सर? दूसरा आप आइए, माटों में पोषण पूर्ति करना पड़ेगा, पोषण पूर्ति नहीं करके नहीं होगा। क्लियर है सर? देखिए कैसा होता है थोड़ा सा हम बता देते हैं। 40-45% न्यूट्रिशन चाहिए, 25% नमी चाहिए ये मट्टी के अंदर में। मोटा मोटी आपको 5-10% कार्बन चाहिए, और आपको इसके अंदर में करीब करीब 20-30% करीब करीब, या 40-40% मोटा मोटी रखिए, 35-40%, 40-45% इसको मोटा मोटी ऑक्सीजन चाहिए। ये आपको मिलने के बाद इसको पूर्ण पोषण मिल गया। क्लियर है सर? अब 1% आपको नहीं लगेगा, ये सारा चीज आप डाल दीजिएगा इसके अंदर। अब कैसे डालिएगा, देखिए मट्टी के अंदर में पीएच संतुलन होना चाहिए, टीडीएस हम लिखते हैं टोटल डिजॉल्व सॉल्ट, ये भी आपको संतुलन होना चाहिए। ईसी वैल्यू, ये ईसी वैल्यू मेंटेन होना चाहिए, ये 3 चीज मट्टी के अंदर में चाहिए। अब इसमें आइए पीएच के बारे में, तो आपको समझ में आया पीएच 3 टाइप का होता है, हमको ये वाला चाहिए। अब आइए टीडीएस, आपके पानी जो खेत में पटाते हैं उसमें कितना पोषण है, ठीक है? उसको बिना देखे अगर ऊपर से आप पोषण डालिएगा तो क्या होगा, जानते जानते? जैसे बूटी हम पीते हैं पाइप से पीते हैं, अब इतना मोटा पाइप देंगे तो पिया जाएगा? एकदम सुई के नोक के बराबर छोटा पाइप देंगे तो पिया जाएगा? नहीं पिया जाएगा। तो हमारे पानी के अंदर में जहाँ पोषण बेसी है, हम खाद बेसी डाल देंगे तो पौधा का जड़ तो आँख से देखने वाला छेद तो नहीं है, उसमें आँख से देखने वाला से भी छोटा छेद है, वहाँ से वो कैसे घुस पाएगा?
तो पानी के अंदर का पोषण तत्व नाप करके ऊपर से हम पोषण तत्व डालेंगे कितना चाहिए उतना, तो वो ले सकता है, नहीं तो आपका बेकार चल जाएगा। क्लियर है? ये सारा चीज कैसे मेंटेन होगा सो भी देख लीजिए। अब ये इसी वैल्यू का मतलब क्या होगी, जैसे आपके शरीर में मच्छर बैठा तो आपको पता चलेगा कि नहीं, कोई चुट्टी चला तो पता चलेगा कि नहीं चला। और हम मट्टी के अंदर में बीज डालेंगे तो उसको मालूम होना चाहिए कि नहीं चाहिए हमको बीज डाला। पानी डालेंगे तो उसको पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए। खाद डालेंगे तो पता चलना चाहिए कि नहीं चाहिए। अब ये सारा चीज पता चलेगा तभी जा करके वो मट्टी सही है, ठीक है सर, नहीं तो वो मट्टी सही नहीं। क्लियर है सर? अब आइए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां जीवाणु, जीवाणु, जीवाणु के बिना ये काम नहीं हो सकता है। अब देखिए संसार कैसे चलता है, ये प्रकृति कैसे बना है, इसमें काम कैसे होता है, हम आप जो दुनिया देखते हैं यही दुनिया है कि दूसरा भी दुनिया है, आंख से नहीं देखने वाला जीव जीवाणु है कि नहीं ये दुनिया में। एक तो सुई के नोक में 10,000 जीवाणु आता है और वो काम करता है, खेत को उत्पादन करने का काम करता है, बिना पैसा का जन है आपका, आप उसको समझ नहीं पाते हैं, वो हर दिन आपके लिए काम करता है, आप उसको बुझ नहीं पा रहे हैं। अब क्या करता है, इसमें 100 टाइप का जीवाणु रहेगा, 100 से बेसी रहेगा, लेकिन हम 3 टाइप का जीवाणु का बात करते हैं, इतना अनमोल काम कर देता है आपका, मतलब मिट्टी को शुद्ध कर देगा, उत्पादन को बढ़ाने के लिए न्यूट्रिशन पोषण ला करके आपके पौधा को देने का काम करेगा, जिसको हम आग से नहीं देते, और जितना भी रोग लगता है ना बाली में सब रोग को समाप्त कर देगा। कैसे करेगा, देखिए आपको एक बात बताइए, आप गाय को मांस दीजिएगा तो खाएगा, आप बाघ को घास दीजिएगा तो खाएगा। दुनिया में ऐसा भी चीज है जो मांस खाएगा दूसरा चीज नहीं खाएगा, और दुनिया में ऐसा चीज है जो पत्ते खाएगा जिसको हम आंख से नहीं देखते, ठीक है, वो हमारा रोग को कंट्रोल करेगा, ठीक है। मांसाहार जीवाणु को अगर आप विकास करेंगे तो शाकाहार जीवाणु को खत्म कर देगा। अब सांकर बढ़िया कि दास बढ़िया, हमारे लिए तो सांकर बढ़िया, जो मांस खाता है वही बढ़िया, काहे कि वो जीवाणु को खा लेगा, खा लिया खत्म कर दिया। क्लियर है? तो हम रोग नियंत्रण कहाँ से करेंगे, यहाँ जीवाणु हमको फैलाना होगा खेत के अंदर, जैसे जीवाणु फैलेगा वैसे वो क्या करेगा, साकार जीवाणु का अंडा लार्वा प्यूपा से लेकर के बड़का बड़का वो खा लेगा। अब बड़का बड़का कैसे खाएगा, आंख से देख नहीं पाते हैं उतना छोटा है, वो कैसे अटैक करेगा। देखिए इस चमड़ा में आकर के एक 2,000, 4,000, 10,000 फंगस अगर बैठ जाए तो आंख से देख पाएंगे, लेकिन वो फंगस घाव बना करके अंदर ढुकेगा कि नहीं ढुकेगा। तो ये सब कीड़ा के अंदर में मान के चलिए फंगस आकर के बैठ गया और इसके अंदर घाव बना के अंदर में ढुक गया, अब इसका आंतरी भुंतरी कलेजी मुटु जो भी इसको चाहिए खाएगा कि नहीं खाएगा, खुश खुश के खा लेगा। क्लियर हुआ? तो ये मांसाहार जीवाणु को हमको डेवलप करना पड़ेगा। अभी हम कर क्या रहे हैं, ट्रैक्टर लगा जोत, जितना मट्टी को जोतते हैं उतना मट्टी कम्पैक्ट होता है। कुमार सब मट्टी को सानता है ना, दुनिया का सानता है तो मट्टी एकदम कम्पैक्ट होता है कि नहीं होता है, घाला ईट बनने वाला, टाली बनने वाला, ढेला बनने वाला मट्टी कहाँ से बनता है, उसी मट्टी को सान सान के बनाता है। क्लियर है सर? मट्टी को कम जोतिए, हम तो एक चास जोत करके पूरा खेती करने का फॉर्मूला आपको दे रहे, लेकिन जीवाणु को विकास करें। कैसे? एक तो जीवाणु हुआ मांसाहार जीवाणु को खाने वाला, साकार जीवाणु को खाने वाला, मांसाहार जीवाणु को हमको विकास करना है। दूसरा जीवाणु को विकास करना है कैसा, देखिए दूसरा जीवाणु मेरा उसका काम है मट्टी खाएगा, मट्टी हर वो दूसरा चीज नहीं खाएगा। क्लियर है सर? जैसे चाली, चाली क्या करता है, ऊपर से घुसता है 12 फुट 15 फुट 20 फुट तक नीचा जाता है चढ़ने के लिए, एक दिन दो दिन में ऊंचा करके ऊपर आता है, और अंदर क्या चलेगा, जिंक कहाँ खोजेगा, कॉपर कहाँ खोजेगा, आयरन कहाँ खोजेगा, मोलिब्डेनियम कहाँ खोजेगा, वहाँ कौन कौन तत्व कहाँ कहाँ है उसके खाने लायक का मट्टी के अंदर में खोज खोज के वो खाएगा। और चाली का एक तो बढ़िया गुण क्या है, वो नीचे में लेटिंग नहीं करता है लेकिन ऊपर में आगे करता है। एक ठो चाली को अगर आप बचा करके फैलाने का काम करिएगा तो आपको कोई भी जिंक जितना भी मट्टी के अंदर में है ना
ला करके ऊपर में रख देगा। लेकिन ये ज्ञान देखिए ये ज्ञान तो हमको कोई नहीं दिया। हमको क्या ज्ञान दिया? कंपनी में बना हुआ है भाई, पैसा खर्च करो, खाद ला के डालो, क्लियर है? घास मारना है, बिसारी डालो। अब उसके चलते कोई भी चीज बचा? नहीं बचा। अब जो जीवाणु आंख से नहीं देखते हैं लेकिन चाली की तरह काम करेगा, मट्टी खाएगा, मट्टी हगेगा, ये कॉम्पैक्ट मट्टी है, छोटा सा जीवाणु, हेलो, जिसको आंख से नहीं देखते हैं, इसको खाएगा हगेगा, खाएगा हगेगा। एक चुटकी मट्टी में 2 करोड़ से लेके 20 करोड़ जीवाणु रहेगा। अब बोलिए ये मट्टी शुद्ध होगा कि नहीं होगा? इसमें 2 बूंद पानी गिरने से वो पोषण तत्व तो पौधा का लेने लायक का बनेगा कि नहीं बनेगा? जब तक जीवाणु नहीं दीजिएगा तब खाद डाल करके आप उत्पादन लेना चालू करिए, आपका खर्च बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा, मट्टी खराब होते चला जाएगा। लेकिन जीवाणु को विकास करके अगर काम करना चालू करिएगा तो पहला बाली में आपको 10% 20% आपको बेनिफिट होगा, लेकिन पता पूरा चल जाएगा कि हाँ ये चीज सही है। दूसरा या तीसरा या चौथा बाली में जाइएगा तो आप आराम पाइएगा, हर चीज से आराम पाइएगा। काहे कि वहां काम करने वाला जन प्रकृति के हिसाब से काम करता रहे। आप देखिए चाहे नहीं देखिए उसका काम क्या है, पेड़ भरने के लिए वो काम करेगा कि नहीं करेगा? चूटी पेड़ भरने के लिए काम करती है कि नहीं करती है? ठीक है। अब तीसरा इसमें जीवाणु है, कौन जीवाणु है? वातावरण में जितना भी पोषण तत्व है उसको ला करके जड़ में फिक्स करने वाला है। क्यों उतना मेहनत वो क्यों करेगा? कहीं से भी जमीन से भी पोषण खोज करके वो पौधा को देगा, क्यों क्यों देगा? वो जीवाणु है खाली ग्लूकोज खाएगा। अब ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? जितना बढ़िया पोषण पौधा को दीजिएगा उतना ज्यादा वो ग्लूकोज फेंकेगा। हम गाय को जितना बढ़िया अगर घास पानी देंगे तो वो दूध फेंकेगा ही नहीं फेंकेगा? ओकर लेल हम मेहनत करते हैं कि नहीं करते हैं? तब उसी हिसाब से आपको ये जीवाणु भी क्या करेगा, यहाँ से लाया पौधा को दिया, यहाँ से लाया पौधा को दिया, पौधा ग्लूकोज फेंकेगा तो मेरा बच्चा खाएगा, उतना इतना में खिलाता है कि उसको ग्लूकोज फेंकना ही पड़ेगा। और जहाँ बेसी कार्बोहाइड्रेट तैयार हुआ वहाँ बेसी पैदावार होगा कि नहीं होगा? क्लियर है। अगला बार आपको बताएंगे कि पत्ता में कैसे कार्बोहाइड्रेट कलेक्शन होता है और कैसे फल में कार्बोहाइड्रेट चला जाता है, फल में न्यूट्रिशन चला जाता है, फल में प्रोटीन चला जाता है, कैसे चला जाता है, इसका भी जानकारी आपको मिलेगा। क्लियर है सर? और ये सारा चीज जीवाणु करते हैं। कैसे करते हैं? आंख से हम देखते हैं ये 96% 4%, जो आंख से नहीं देखते हैं वो 96%। अभी आंख से आप जो भी देखते हैं ये सब ये 4%, लेकिन इसमें पावर वाला ग्लास लगा के देखिएगा तो आप जहाँ बैठे हैं वहां करोड़ों जीवाणु आप ले रहे हैं, फेंक रहे हैं, ले रहे हैं, फेंक रहे हैं, ये 96%। ठीक है। इसको बिना देखे आप कोई भी काम करते हैं कि कैसा काम करता है उसका बिना समझे कोई भी काम करते हैं वो कोई काम करेंगे। तो हमको पहला नंबर में रोग को समाप्त करना है, पोषण को पूर्ति करना है, पीएच को बैलेंस करना है और ये टीडीएस से लेकर के इसी वैल्यू को तैयार करना है तो जीवाणु का विकास करना है। हेलो, अब जीवाणु को विकास करने का कला आज सीख लीजिए और जीवाणु विकास करना चालू करिए और मट्टी को सुधारने का आंदोलन में हम लोग लग जाए। इस बार आप धान में जो जितना सकेंगे सुधारिए और काम करिए, मकई तकई गेहूं तेहूं जो भी लगाइएगा ना उसमें आप परिपक्व हो जाएंगे। क्लियर है सर? क्लियर है। अब पहला नंबर में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक तो आपको यहां बनाना होगा जामन। जामन क्या हो गया, जैसे 100 लीटर आपका दूध है, इतना तो दही नहीं रहेगा तो दही बनेगा नहीं बनेगा। तो जीवाणु कहाँ कहाँ नहीं है? मट्टी में भी जीवाणु है, फल पेड़ पौधा में भी जीवाणु है, फूल में भी जीवाणु है, हमारे आपके शरीर में भी जीवाणु है, गाय माल के गोबर में भी जीवाणु है। लेकिन उस जीवाणु को आकर्षण करके दही बनाने वाला फार्मूला जामन है। ठीक है सर? तो ये जामन पहले आपको तैयार करना पड़ेगा, इसमें खर्च लगेगा लगभग 1200 टका का आपका खर्च लगेगा। लेकिन 1200 टका एक बेर लगाइएगा तो जीवन भर आपको कुछ नहीं करना है। एक बेर जो गाछी लगाइएगा ना आम का गाछी, तो जीवन भर तोड़िएगा कि नहीं तोड़िएगा? बेटा पता भी भर सक तोड़ लेगा, वही खेल आपका हो जाएगा। ठीक है। अब जामन बनाने के लिए सबसे पहले आपको
एक नंबर में आप क्या करिए, एक ठो ड्राम लीजिए प्लास्टिक का। ये प्लास्टिक का क्यों लीजिए, आपका सदरा का ड्राम है तो उसमें से आयरन बेसी हो जाए, आपको उतना ही आयरन बनाना है जितना हमको सीखना, क्लियर है सर? तब प्लास्टिक की ये समस्या नहीं रहेगी। तो 300-350 में 140 लीटर का ड्राम मिलता है, क्लियर है सर? ये 100 ड्राम आपको पहला नंबर में खरीदना है। दूसरा नंबर में अब आपको कुछ नहीं करना है, दो नंबर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको दही पूरना है, अपने से पूरिए, डेयरी वाला दही नहीं लाइए, आधा लीटर दूध खरीद लीजिए, उसको बढ़िया से उबालिए, 2-3 बार 4 बार उबालिए, मिट्टी के बर्तन में उसको डाल दीजिए और उंगली डाल के देखिए, उंगली डालने के बाद उंगली रह जाए, गर्म होके निकालना नहीं पड़े, ठीक है? उसको बोलते हैं 40 डिग्री मोटा मोटी, उतना होने के बाद आप उसमें क्या करिए, ये जामुन डाल दीजिए, क्या बोलते हैं, दही का चूर्ण डाल दीजिए, अब इसको ढक के रख दीजिए 7-8 दिन, 6-7 दिन, 6-7 दिन पूर्णा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 6-7 दिन पूर्णा वाला दही को आपको लेने का, क्लियर है? अब तीसरी बात इसमें, 3 नंबर में, थोड़ा सा आपको हाफ के जी गुड़ लेना है, काहे कि ये गुड़ ग्लूकोज है, इसी में आपको ये पलेगा, क्लियर हुआ सर? और ये आपको जामुन बन जाएगा, क्लियर है? बेसी से बेसी यहाँ इसके अंदर में हमको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबको तैयार करना है। कोई मट्टी खाएगा मट्टी हगेगा, कोई वातावरण से फिक्स करेगा, कोई आपको मांसाहार होकर के शाकाहार को खाएगा, मतलब हमको हेल्प करने वाला, इसमें हमको मैक्सिमम तैयार करना है, क्लियर हुआ सर? हमको तीनों चीज़ चाहिए, आधा किलो गुड़ चाहिए, दही चाहिए थोड़ा सा, 1-2 ड्राम चाहिए। अब इस ड्राम के अंदर में पानी हमको देना है, क्लियर है सर? और पानी के अंदर में इसको घोल करके, इसका तरीका है, थोड़ा सा प्रोसेस है, वो करके इसको क्लियर करना है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर इसमें हमको कल्चर डालना पड़ेगा। अब ये कल्चर आपको हम देंगे, ठीक है? इसका दाम आपको बेसी है, आपको 650 रुपये आपसे लेंगे, ये आपको खर्च करना पड़ेगा। अब ये तैयारी करके 40 लीटर पानी के अंदर में इसको डाल दीजिएगा, और ये डालने के बाद ठीक आपको 8 दिन के भीतर भीतर, 8 दिन के भीतर भीतर आपको ये आपको जामुन तैयार हो जाएगा। अब ये तैयार होने के बाद आपको फंगीनाशक बनाना है, बनाइए, कीटनाशक बनाना है, बनाइए, माइक्रोन्यूट्रिशन बनाना है, बनाइए, इंजाइम बनाना है, बनाइए, नाइट्रोजन बनाना है, बनाइए, फास्फोरस बनाना है, बनाइए, थोड़ा थोड़ा ये लगेगा, बाकी आपको और चीज़ लगेगा, जैसे आपको पोटास बनाना है, चलिए ठीक है? तो आप ऐसे पता करिए, वैसे हम किताब लिख दिए हैं सारा चीज़ उसके अंदर में, पता करिए, पता क्या करिए, पोटास किस में है, पोटासियम किस में है, सबसे ज़्यादा पोटासियम मिलेगा बेल में, ठीक है? 2 किलो बेल ले आइए, 10 लीटर पानी ले आइए, उसके बाद केला है, 2 किलो केला ले आइए, 10 किलो पानी ले आइए, पूरा केला को पूरा पल पल करके फिर दीजिए, उसको दवा दुबा दुबी के उसको मतलब पूरा कुचल दीजिए, कुचल करके ड्राम में डाल दीजिए। ड्राम में डालने के बाद ये जामुन आपका तैयार है, इसमें से 2-3 लीटर जामुन भी उसमें डाल दीजिए। अब ये जामुन का यहाँ जो चीज़ है, ये सारा चीज़ को चेंज कर देगा, पूरा इकोलॉजी, और यहाँ से जितना ज़्यादा पोटासियम चाहिए, यहाँ आपको 10 लीटर पोटासियम होगा। अब एक टैंकी में 100 ग्राम अगर पोटासियम डाल करके छिड़काव करेंगे तो कई बीघा में गया सर, कई बीघा में गया, 10 टैंकी। अब देखिए पोटासियम बना, लेकिन अब आपको क्या करना है, माइक्रो न्यूट्रिशन आपके पास नहीं है तो कोई जाइन खरीद के ले आइए, ठीक है? 200-400 का जाइन खरीद के ले आइए, DAP यूरिया पोटाश सब ये बना दिए, लेकिन जैम टाइम जो है थोड़ा बहुत खरीद लिए तो काम चला कि नहीं चला, क्लियर है सर? क्लियर है?
तो इस हिसाब से आप अगर चाहते हैं जाइन भी बनाने के लिए वो भी बना सकते हैं, लेकिन समय तो लगेगा, धीरे धीरे जुटना पड़ेगा, जुट करके आगे बढ़िएगा। क्लियर है सर? तो इस हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ये बनने के बाद जो भी बना सकते हैं। अब देखिए, कंपोस्ट मल बनाना है, किसी के पास बहुत ज़्यादा गाय भैंस है तो कंपोस्ट मल में फिर जाइए, यूरिया का काम ही नहीं है। उसमें सजीव मल अलग बनाइए, खनिज मल अलग बनाइए और बर्मी कंपोस्ट अलग बनाइए। एक रोजगार निकला कि नहीं? हेलो, क्लियर भले? अब रोजगार छोड़ दियो, अहाँ के 10 कट्ठा जमीन से मतलब एक गाय के गोबर से ओकरा सदुपयोग करके तो भले कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पे आपको हम लोगों का किसान ने ये बनाया। अब सबको देख लीजिए, थोड़ा थोड़ा हाथ में ये करके इसको देख लीजिए। पहला नंबर में आप ही देख लीजिए सर, उठ करके दिखा दीजिए इसको। आइए, हाथ से ले लीजिए पूरा। आइए, एक आदमी और आइए, आप भी ले लीजिए, थोड़ा सा हाथ में ले लीजिए। हाँ, ये ले लीजिए, थोड़ा सा अब सुना जाए, सबसे पहले आपके घर में जो भी चीज घेरा जाता है, ठीक है, आपके घर में जो भी चीज बेकार वस्तु है, मान लीजिए गोबरे बेकार है, घासे बेकार है, मतलब ऐसे छिटा गया, फेंका गया, चला गया, तो खरपतवार हो गया, सड़ के कहाँ जाता है पता नहीं है। अब इसको संभाल करके आप क्या कर सकते हैं, इसको ऊपर से खाली छेड़ दीजिए, इसके अंदर में ये जो चीज़ है ना, ये सारा काम करेगा। क्लियर है सर? क्लियर हुआ? अब देखिए, कैसा खाद बनाना चाहिए, DAP बनाना चाहेंगे बना लीजिए, यूरिया बनाना चाहेंगे बना लीजिए, पोटाश बनाना चाहेंगे बना लीजिए। अब मान लीजिए आपको यूरिया बनाना, यूरिया में आप 100 किलो गोबर लीजिए, 10 किलो 15 किलो जलकुंभी लीजिए, 5 किलो सोयाबीन का पात ले लीजिए, 5 किलो गोबर का पात ले लीजिए, नीचे में एक लीटर गोबर बिछाइए, फिर थोड़ा सा जलकुंभी बिछाइए, फिर एक लीटर गोबर बिछाइए, फिर आपको सोयाबीन का पात बिछाइए, फिर एक लीटर गोबर बिछाइए, ऊपर से गोबर का पात दीजिए, फिर गोबर बिछाइए, फिर वैसे करके 2 तह ले आइए और बीच बीच में इसको आप छिड़ते जाइए। क्लियर हुआ? इसको उसमें छिड़ते जाइए। अभी अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? काम करेगा, वहाँ चीज़ तैयार होना चालू होगा कि नहीं? हेलो, समझ रहे हैं? फोकट का जब दुनिया में है जॉन, उसको हम काम में लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? आज तक मालूम नहीं था तो चुप थे, अब मालूम पड़ गया। और धीरे से सुनिए भैया, धीरे से प्रैक्टिकल अगर करना चालू करिएगा तो और दिमाग खुलेगा कि नहीं खुलेगा? क्लियर हुआ? तो इस हिसाब से किसान अपना आत्मनिर्भर बनिए। हाँ, आवश्यकता पड़ेगा उस टाइम में देख लीजिए, जैसे यूरिया भी डालते हैं तो कहीं कहीं जरूरत पड़ता है तो विटामिन डालते हैं कि नहीं डालते, फूल बढ़ाने वाला फल बढ़ाने वाला डालते हैं कि नहीं डालते। तो इस हिसाब से जो जरूरत पड़ेगा थोड़ा बहुत मार्केट से ले सकते हैं, लेकिन 99% आपको बचना आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार है। आगे बढ़ने के लिए तैयार है। अब युवक सबको हम क्या कहेंगे, आपको सबसे पहले एक नंबर में YouTube जो है ना, इसमें आप केदार पोखरेल सर्च करिए, ये केदार पोखरेल सर्च करके आप इसको देखिए, यहाँ ये सारा चीज बनाया हुआ आपको मिलेगा। और अभी जो ये वीडियो बना ये भी हम इसमें डाल देंगे, अपना भी चेहरा देख लीजिए, ठीक है सर? और धीरे धीरे आप मेरे जैसा ट्रेनर बनिए। हेलो, पहले अपना गांव को संभालिए और धीरे धीरे देश में पूरा खाली है, अगर पढ़े लिखे हैं हिम्मत है तो चलिए आगे बढ़िए, साथ मिलिए, ठीक है सर?
ठीक है, और इसी हिसाब से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग का रविवार को 6:30-6:30 यहाँ मीटिंग होगा। उस दिन माटो टेस्ट होगा, माटो टेस्ट होकर के सोमवार को उस दिन माटो टेस्ट होगा। लेकिन ये आपको लाना पड़ेगा। हेलो, ये कहाँ से लाएंगे? सूखा एरिया का मट्टी लेंगे। सर वो आप एक के जी लेके, इसका नाम क्या है? सर ये कल्चर है, कल्चर। अच्छा अब सुना जाए, सूखा जगह का मट्टी ले आइएगा, कोशिश करिएगा चारों जगह का लाने के लिए। और इसमें हम खाली सीखेंगे, टेस्ट करने का तरीका सीखेंगे, सीख जाएंगे तो फिर अपना समय के अनुसार हम चेक कर लेंगे। क्लियर हुआ सर? तो सीखने के लिए हम अभी बता क्या करेंगे, खेत का मट्टी हमारा पानी है, नहीं ला सकते हैं तो सूखा मट्टी ला करके हम सीख लेंगे। कॉलेज में भी ऐसे करता है। अब मान लीजिए इस सीजन में सिखाना होगा तो बच्चा को सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? सिखा तो देगा। तो इसी तरह से हमको सीखना है। दूसरी बात, अभी धान में आपको समस्या है, ये अगर जामन आपका बन जाता है तो धान के अंदर में आपको 1-2 बार आपको छींटना पड़ेगा, 3 बार आपको नहीं छींटना पड़ेगा। अभी भी आप देख लीजिए, जैसे ये यहाँ आपको डालते हैं तो ये पकड़ में आ जाता है, देखिए धर लेता है और उसको धीरे धीरे सूखेगा, ये डालते हैं तो ये छिटक जाता है। क्लियर है सर? तो इस हिसाब से आपको धान के अंदर में ये पुटो आप लोग को रोग नहीं लगे। देखिए रोग लगने के बाद क्या होता है, सबसे पहले जड़ में आपका जड़ उखाड़ करके देखिए, टोटल जड़ आपका बेसी से बेसी जड़ काला या ब्राउन मिलेगा, काला हुआ ब्राउन जड़ आपको काम नहीं करता है, बचा हुआ थोड़ा बहुत जड़ काम करता है और बेसी से बेसी पत्ता से काम कर रहा है, पौधा पत्ता से ले रहा है। अब पत्ता में भी दाग धब्बा बैठ गया तो पत्ता से भी नहीं ले पाएगा, ठीक है? डांट से लेगा तो डांटों में दाग धब्बा बैठ जाएगा तो फिर नहीं ले पाएगा। फिर कैसे कैसे करके दवाई दे दे के उसको बढ़ा रहे हैं आप लोग, शीश निकलता है तो शीश ही होता है, ऊपर में शीश के बाद जब ऐसे लिपता है तो वहाँ पर आपको गर्दन ब्लास्ट शुरू हो जाता है, गांठ में भी नोट ब्लास्ट शुरू होता है। ये सारा चीज़ को आप अभी कैसे मेंटेन करिएगा, ये क्लास होगा। इसके लिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, कम से कम कॉपी और कलम ले आइए, पढ़े लिखे आदमी सब कॉपी और कलम ले आइए। और यूट्यूब चैनल जो है आप यहाँ सर्च करके देखिएगा, बड़का किताब यहाँ, ठीक है? अब आपसे मेरा अब भितरिया बात होगा, थोड़ा सा भितरिया बात में देखिए, मेरे पास ये 4 किताब है, ये किताब दूसरा है, ये 4 किताब है, इसका आपको खरीदना पड़ेगा, इसका दाम है 550 रुपये, मीटिंग में आपको पड़ेगा 300 रुपये, ठीक है? कोई लेना चाहेंगे तो आप ले सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और जितना भी चीज़ है यहाँ पर, चलिए जोरदार ताली, वही लगनी होगा जोरदार ताली, ठीक है? जबरदाई पर मंगाई दी, यहाँ दी दी तारा से मंगा। अच्छा और कोई लेवे? बाबा लेवे और कोई पीछे? सर जोरदार ताली सर के लिए भैया, आपको और किसी को पीछे? चलिए आप पढ़ लिए उससे बात करना चाहिए ऐसे बहुत बड़का चीज है ये, जब पढ़े लागे ना जी। हम आपसे एक ठो और अनुरोध करेंगे सर, आए ना आके मोबाइल नंबर से की दीजिए, जन आप कुछ करते करते नहीं बुझेगी। हां हम फोन करके पूछ सके चाहिए, सुना जाए मोबाइल नंबर आपको ना 98 19 032 959। अब किताब में मोबाइल नंबर नहीं डालता है कोई, हम भी नहीं डाले हैं, लेकिन ईमेल नंबर हम डाल देंगे, ठीक है? यहाँ ईमेल नंबर है, आप कोई भी ईमेल में डाल दीजिए, हम देख लेंगे। 98 19 032 959 959। तो इस हिसाब से हम लोग देखिए आज क्या काम किए, आज मोटा मोटी समझने वाला बात को समझे,
अब हम आपसे क्या चाहेंगे, एक हफ्तो ड्राम खरीदिए, एक हफ्तो जामुन बनाइए। देखिए एक तो बात बताइए, एक्सपीरियंस करने के लिए हम थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पैसा को लगानी नहीं करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा? तो थोड़ा सा समय और थोड़ा सा पैसा को लगानी करना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए ये आपको जामुन बनाने का काम शुरू कर, क्लियर है सर? और हम थोड़ा सा इंडिया से भी बात किए हैं, थोड़ा सा आपको और लोग से भी बात किए हैं, और आज जितने भी आप लोग तालीम में बैठे हैं, हो सकता है आसिन कार्तिक में हम लोगों को एक तो प्रोग्राम देगा, तो जब प्रोग्राम देगा तो समाज के लिए हो जाएगा। अब उस टाइम में आपका भत्ता चाय पान जो भी है वो चलेगा, लेकिन हम चाहेंगे कम से कम यहाँ से दो आदमी ट्रेनर बने, ठीक है सर? तो इतना कहते हुए कोई भी क्वेश्चन है अभी तक का तो पूछ सकते हो, ये नहीं पूछ, अब पूछो कोई भी बात पूछेगी सर, वहाँ से ध्यान से देख लिए, मीटिंग में 300। अच्छा हेलो, अब एक तो बात बताइए, कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? आए जे सुन लिए बोल लिए वही पर कोई ना कोई सब क्या सुन लिए चार बार कर लिए तो सब ठीक है। ये एक करो खाने से बस नहीं बस नहीं दराने छह ओके तो क्वेश्चन नहीं है? विजय शर्मा जी के लिए जोरदार आइए आइए। हमारा नाम विजय कुमार शर्मा, अपने घर मोलवन वार्ड नंबर 12 पड़े छे ग्यारह। आइ जे ई तालीम जे देखल के किसान के लेल में बहुत बढ़िया छे, लेकिन प्लस की छे कि कापी लगा कहती है जना जे तरीका से सीखल के ओहि हिसाब से बैठ के टिप्पणी जितिए और अपना लिखला समझे ले कने आसानी है छे। जना सब किताब दल के किताब में की हेते तो कतो करबे तो अपना लिखला ने तो सजिलो नहीं हेते, ते लाय के हमर विचार छे के अगला जना मीटिंग हेते ही सोम दिन 6 बजे से तो अपन अपन कापी लेके जे अगर चाहबे छे अपना बढ़िया से लिखे ले तो लिखे समझे ले और आगू बढ़े के लिए ओकर लिए बहुत बढ़िया रहती है हमारे विचार से। आइए सर और कोई आइएगा, थोड़ा सा आप आइए कर शेयर करो लगे कौन चीज में आगे परिचित हुए जोरदार के नाम सर को राम कुमार शाह जी जोरदार नमस्कार नमस्कार कृषि अरुण ज्ञान दिखे ठीक है। थैंक यू सो मच। नाम से नमस्कार सर, झुमका आने भाग सर हमें कृषि को सिकायो
अरे हेरिम पनि अब बुझिम कुरो कस्तो कुरो छ भनेर कसैले त थाहा थिएन नि घरमा बसेर कसैले थाहा हुन्छ हुँदैन त्यही भएर मिटिङमा आयौँ यति यति कुरो हामीले पहिले थाहा थिएन र पनि आएर यति कुरो जान्यौँ यसको लागि म धेरै बधाई छ सरहरूलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच अब लास्टमा नि अब समापनको टाइम रहे और आइके अध्यक्षता जो कर रहे हैं हमारे कृषि विभाग के प्रोप्राइटर जो किसान का शुरू से ही किसान को सहयोग कर रहे हैं तो प्लीज़ हेल्प मी वेलकम जोरदार ताली के साथ इनका अनुभव के साथ मीटिंग को समापन करने के लिए अनुरोध करते हैं जोरदार ताली के साथ अध्यक्ष जी के साथ सब किसान के साथ पहले हम नमस्कार करते हैं वास्तविक में अपना सबके की रहे एक चीज माल खाद हमहूँ बिक्री करे थे सब दिन किसान के देते सब किसान का बारम्बार कह दिए जे अपना मट्टी का परीक्षण कराबे से पहले भी हम बहुत किसान सबके कहने जे माटो परीक्षण जब तक नहीं करब कोई क्षेत्र में कते खाद लागे छे ककरो अनुभव नहीं हमरो नहीं ई चीज है हम कोनो एहने कार्यक्रम में कोनो नहीं गेल रहिए ओहिठिन हमरा सर सब भेटले रहे एहि सम्बन्ध में बात भेले कहलिए नहीं सर एक दिन जे छै अपना सबके टाइम दिए पड़ते हमर मधुबन बाबू सब में बारह ग्यारह में जे ओहिठिना बहुत लोग ई चीज के था नहीं छै जे ऑर्गेनिक छियै कनि सबसे पहले तीन ज्यादा ऑर्गेनिक मल ई छियै जे एहिसँ उपज भेल चीज कोनो भी चीज अगर खायल जाए हम सेवन करबै तऽ ओ चीज रोग नहि लागै छै हमरा शरीरके फायदे छै एक तऽ ओतऽ फायदा भेलै दोसर फायदा कोठिन छै जे ई मिले पड़तै हमरा लागत कम लागै छै लागत कम लागलै हमर माटो सुधार भेलै हम माटो परीक्षण कए लेलियै तऽ हमर एक कट्ठामे हमर कोठिन खेतमे पोटास छै कि नहि ओहिठाम नाइट्रोजन छै कि नहि यूरियाके नाइट्रोजन छै फास्फोरस डी ए पी भेल ओ छै कि नहि छै ई चीज सबके हमर खेतमे जे नाम चारि किलो कट्ठा दै छियै ओहिठाम एक किलो डी ए पी के जरूरत अछि दुइ किलो यूरियाके जरूरत अछि एहिमे हम अनभिज्ञ छी ताहि लए कऽ ई जानकारीके लागि हम सर सबके अनुरोध करलियै रहए जे एक दिन आबि कऽ हमरो किसान छै दस दस चालीस तरहके किसान हमर अन्दरमे छै हमहूँ सबके बोलेबै एक दिन तालीम देबै कहि कऽ एहिसँ पहिलेयो भी हम सोचने रहियै सर बचेनो भी बहुत आदमीके जे हमरा सम्पर्क नहि भेलै रहए लेकिन हम अयलन त्रिपुर हमरा कोनो कामसँ कोई बोलेलकै कोई नेता जी ओकरा लग गेलियै रहए सरो सम्वाद नहि आबै तऽ परिचय भेलै तऽ कहलकै हमसब एहि सम्भावत दै छियै कहलिए नहि सर एक दिन अहाँ सबके टाइम दिए पड़तै कहि कऽ आइ सब टाइम देतै ओकरा लागि एहिना हम खास करि कऽ हम गोबर दादूके आओर प्रमुख जे छै वैज्ञानिक आओर एहि सम्बन्धीमे जानकारी गुरु केदार पोखरिजीके हम बहुत बहुत बधाई दै चाहैत छियै आओर ई कार्यक्रम हम जय दिन स्थापन करै छियै सोमवार सोमवार आओर दोसर कार्यक्रम एहिसँ अगाड़ी जे छै अखन पूर्ण नहि भेलै हँ एकरा खातिर जे छै अगाड़ी आबैवला सोमवारके फेर इएह हॉलमे सबके हम आग्रह करै छियै 6:30 बजे उपस्थित भए कऽ अपन जानकारी और एक डेटा एक डेटा के साथ में जाने थे और एक एक टा कॉपी एक एक डॉट सब साथ में आप अपने घर 6:30 बजे आए वो तो 7 बजे तक